ज्ञान देव होस्ट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल ज्ञान देव होस्ट को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बैल के आइकन को भी दबा दें, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हरियाणा पोस्ट ऑफिस भर्ती 2018 के बारे में। तो चलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंडियन पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन हरियाणा पोस्टल सर्कल भी इसको बोलते हैं। नेम ऑफ द पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GDS बोलते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 682 है। जॉब लोकेशन हरियाणा, यानी कि आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद आपकी पोस्टिंग हरियाणा के अंदर होगी। जॉब कैटेगरी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स, ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के अंतर्गत आती है। स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 3 दिसंबर 2018 है और लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म 2 जनवरी 2019 है। यानी कि 3 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2019 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट www.appost.in, GDS ऑनलाइन और home.aspx, इस URL पर आपको जाना है और आप वहां पर पहुंच जाओगे जहां पर आपको अपना फॉर्म भरना है। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं डिवीजन वाइज वैकेंसी डिटेल। अंबाला के लिए 112 पद है, भिवानी के लिए 48 पद है, फरीदाबाद के लिए 27 पद है, गुड़गांव के लिए 153 पद है, हिसार के लिए 111 पद है, करनाल के लिए 81 पद है, कुरुक्षेत्र के लिए 53 पद है, RMSDN न्यू दिल्ली के लिए 3 पद है, रोहतक के लिए 62 पद है, सोनीपत के लिए 32 पद है। कुल मिलाकर के होते हैं 682 पद। दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि इस पद पर आवेदन करने के लिए आपके पास कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपके पास 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही आपके पास बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट फॉर एटलीस्ट 60 डेज, यानी कि 60 दिन का जो कोर्स होता है वो होना चाहिए, तभी आप इस पद पर आवेदन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करूँ तो फॉर जनरल UR कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 18 से 40 साल के बीच है, एज ऑन 3/12/2018। रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट 5 ईयर फॉर SC/ST कैंडिडेट्स एंड 3 ईयर्स फॉर OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स, यानी कि 5 साल का SC/ST कैंडिडेट्स के लिए है और 3 साल का OBC कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ीस दोस्तों, इस पद पर अप्लाई करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, फॉर जनरल और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए ₹100 एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, यानी कि आपको केवल ₹100 एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करो तो आपका सिलेक्शन एकेडमिक मेरिट परसेंट और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा, यानी कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है। आपका सिलेक्शन आपके एकेडमिक मेरिट परसेंट, यानी कि आपने कितने परसेंट मार्क्स पाए हैं 10वीं में, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। हरियाणा पोस्टल सर्कल पे स्केल, यानी कि इस पद के लिए आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको BPM के लिए ₹12,000 जो कि इस क्रम में होगे, यानी कि आपकी सैलरी बढ़ भी सकती है ₹29,380 to ₹14,500 and ₹35,480, यानी कि आपको इस क्रम में सैलरी दी जाएगी। और ABPM डाक सेवक के लिए आपको शुरू में 10,000 और साथ ही आपको इसके बाद इस क्रम में सैलरी दी जाएगी, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। हाउ टू अप्लाई, यानी कि आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद आपको करियर सेक्शन में जाना है और उसके बाद आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है और उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करके उस पेज पर चले जाना है जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आपको अपनी सारी जानकारी फॉर्म के अंदर भर देनी है। साथ ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर देने हैं, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर के साथ में। उसके बाद बस आपको अपना फॉर्म एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने के बाद सबमिट कर देना है और सबमिट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक फोटोकॉपी जरूर ले लें, जो कि आपके भविष्य में काम आएगी। दोस्तों, लास्टली इस वीडियो में आपको बता दूं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई ऑनलाइन लिंक के बारे में। दोस्तों, अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक डायरेक्टली चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिंक चेक कर सकते हो और साथ ही मैं आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक भी दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली उस पेज पर चले जाओगे जहाँ पर आपको अपना फॉर्म भरना है और आप अपना फॉर्म बहुत ही आसानी से भर पाओगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जवाब दे सकूँ। नखरे कर दे हाँ, दस्ता दे तू मसला की है, हाँ कर देनी तेरा कसदा की है। ओ जा परा 10 गेड़ी तू जीन है लैनी, 10 गेड़ा तेरे टॉप चाहिदा, तेरे वास्ते बिमर लैली होर की लॉली पॉप चाहिदा।